हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की ये जो वीडियो हमारी आज इंटरसेप्टर 650 के ऊपर है। आज हमारे पास ये इंटरसेप्टर आई है और मैं उसमें आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली क्या हुआ ना, अभी भाई ने किसी पंचर वाले से, शायद चाहे किसी को बुलाया था, चाहे कुछ भी मतलब था, पंचर था वही थी भाई, तो बुलाया उसको पंचर लगाने के लिए। तो उसने क्या करा ना, जो पंचर लगाने के लिए टायर लीवर खोलते हैं, तो उन्होंने क्या करा, टायर लीवर लगाया और जो डिस्प्ले होती है वो डिस्प्ले टेढ़ी हो गई। तो आप सोचिए कि आप कितना तगड़ा मतलब नुकसान हो सकता है आपका, एक पंचर के चक्कर में आप कितना बड़ा खर्चा हो गया। और बेसिकली वो टायर बहुत टाइट हो गया है, अटक रहा है इस जगह और साइड में टकरा भी रहा। तो मैं आपको ले चलता हूँ बाइक पर, दिखाता हूँ और मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए, मैं बिना देरी का चलते हैं बाइक पर, दिखाता हूँ कि आई हुई बाइक और दिखाता हूँ। मैंने कहा क्यों ना छोटी सी वीडियो बनाकर दिखाता हूँ कि क्यों कि ऐसी गलती कभी भी ना करें। तो मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में शेयर कर दूँगा। तो चलिए ले चलता हूँ बाइक पे, देखते हैं। ये है अपनी बाइक, देखिए। अब मैं आपको इसमें प्रॉब्लम दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये जो व्हील है ना, जब चलाते हैं इसको, ये देखिए, ये देखिए टाइट हो गया बिल्कुल अपने आप। ये देखिए कितना तेज से घुमाऊँगा, देखिए ये देखिए यहाँ पर रुक गया। और ये ना डिस्प्ले टेढ़ी हो गई इसकी, और ये शायद भाई ने किसी पंचर वाले को घर पे शायद बुलाया था, शायद जो भी बुलाया था मतलब। तो इन्होंने क्या किया ना, टायर जो टायर खोलते हैं, तो इन्होंने टायर लीवर के जो पैर है ना, इस पे चढ़ा दिया बेसिकली। जैसे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम ऐसे करके फंसाते हैं इस पे और दबाते हैं, देखिए, तो ये क्या होता है ना, ये पैर ये डिस्प्ले पे जोर आता है और डिस्प्ले टेढ़ी हो जाती है। इसकी वजह से ना डिस्प्ले देखिए इतनी टेढ़ी हो गई, ब्रेक तो लगी नहीं रही बिल्कुल भी। और ये देखिए यहाँ से भी टकरा रहा है। तो मैं इस चीज़ के लिए बाइक आई है, अब खास करके ये आप ध्यान दें कि आपकी बाइक हो तो जब भी आप चाहे टायर खोले, अगर पंचर लगवाते हैं तो इस डिस्प्ले को ज़रूर खुलवा लें। क्योंकि यार देखिए, 4-6 पेज अगर खोलने में 5 मिनट लगेगा आपका, टाइट करने खोलने में 5 मिनट लगेगा, और उसके चक्कर में आपको मोटा नुकसान हो जाएगा, ब्रेक लगेगा ही नहीं। तो इसलिए बाइक आई है। बाइक चली कितनी है, 13,000 किलोमीटर चली है शायद। भाई हमारे पास आते हैं और देखिए, ये देखिए देखिए 14,375 किलोमीटर चली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, मतलब चली है काफ़ी। लेकिन भाई राइड वाइड करते हैं, तो हमारे पास आई थी अभी ये सर्विस वर्विस के लिए। तो भाई ने बोला ब्रेक नहीं लग रहा, ये आवाज़ आ रही है, मतलब ये देखिए ये जगह से टकरा रही है। तो इसके लिए हमें इसकी डिस्प्ले डालनी पड़ेगी। तो डिस्प्ले हमारे पास आ चुकी है, तो ले चल खोलते हैं। पहले दिखाता हूँ आपको खोल के कि कहाँ टकरा रही है। तो चलिए खोलते हैं और देखते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे ना, देखिए टकरा के यहाँ पे चल रहा है। देखिए ये कैलिपर होता है, कैलिपर के बीच में देखिए टेढ़ा होने की वजह से, देखिए एक साइड में वॉल में कितनी टकरा रही है। तो ये खास करके ध्यान दें। और मैं बता दिखाता हूँ आपको टेढ़ी कैसे हो जाती है। देखिए क्योंकि जब हम ये डिस्प्ले हमारी यहाँ पर फिट होती है, देखिए डिस्प्ले हमारी यहाँ पर फिट हो गया ऐसे, वे मान लीजिए ऐसे फिट कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, जब वो टायर लीवर लगाते हैं, टायर वाला जब कोई खोलता है, तो ये यहाँ से टायर लीवर लगाते हैं ना, इस पर ऐसे करके दबाते हैं। तो जब इसको दबाते हैं ना, तो यहाँ से ये डिस्प्ले होती है बहुत हार्ड, और ये इस पर रखती है ना, ये टेढ़ी इसलिए दब जाती है और इसलिए टेढ़ी होती है। तो ये खास करके आप ध्यान दें कि जब भी पंचर लगवाएं तो ये आपको 6 बोल्ट खोलना है। मैंने खोलते हुए दिखाया आपको, तो ये 6 बोल्ट आपको खोलना है और खोल के ऐसे निकाल के रख दो बस, और फिर दोबारा टाइट कर दो। और ये डिस्प्ले है इसकी, अब देखिए कॉस्टली कितनी डिस्प्ले भी आपको देख रहे हैं 1918 की डिस्प्ले है। और डिस्प्ले भी चेंज करना पड़ेगा, डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको क्या है। ये देखिए अब डिस्प्ले देखिए कितने मतलब, ये देखिए टेढ़ा घिस रहा है, देखिए ये इस तरफ हो गया, और ये वाला देखिए, ये देखिए जिस तरफ वो ये वो अपना लेफ्ट साइड वाला ये डिस्प्ले, और कितना ज़्यादा ख़त्म हो गया। देखिए टेढ़ी मतलब टेढ़ी तरीके से घिस रहा है बिल्कुल। और देखिए ये वाला मतलब ये एक ज़्यादा घिस रहा है, कम घिस रहा है, मतलब ये टेढ़ी तरीके से घिस रहा है इसलिए। तो चलिए बिना तरीके लगाता हूँ और दिखाता हूँ। ये होगी नई डिस्प्ले 4.5 mm की,
तो दोस्तों देखा आपने, मैंने दिखाया कि किस तरीके से टेढ़ी हुई थी और कैसे टायर कैसे टाइट हो रहा था, कहाँ टच हो रहा था। तो आपको कुछ नहीं करना, आप थोड़ा सा केयर करिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी आप पंचर लगवाएं तो खास करके पंचर वाले से आप, चाहे किसी टेक्नीशियन मतलब जो ज़्यादा जान नॉलेज वाला हो उससे, या तो आप खुद, आपकी टूल किट में एलंकी होती है उससे आप 6 नंबर की जो जो मैंने क्या दिखाया 6 पेज होते हैं, सॉरी 5 नंबर की फ्रंट वाली में लगती है डिस्प्ले में, और उससे आपको खोल के और अलग कर दीजिए। और जब आप पंचर वाले, जब पंचर लग जाए तो आप उसको क्या करिए फिर से टाइट करके और फिर उसे फिक्स कर दे, कुछ नहीं नुकसान होने वाला आपका और सेफली बच जाती है कोई भी बाइक हो, चाहे आपके फ्रंट टायर पंचर लगवाएं चाहे बैक टायर पंचर लगवाएं। तो ये आप खास करके ध्यान दें, चाहे आपके पास कोई भी थंडरबर्ड हो, क्लासिक हो, चाहे हिमालयन हो, चाहे इंटरसेप्टर हो, कोई भी, इवन कोई भी बाइक ले लो आप जिसमें डिस्क ब्रेक हो खास करके, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पंचर लगवाएं तो जो डिस्प्लेट हमारी हो उसको हम अलग कर खोल के जो अलग रख दें तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार वो क्या करते हो दबाते हैं उससे भी टेढ़ा होता है, और टायर लीवर से जब रख के उस पर क्या करते हैं पैर रख के चढ़ जाता है। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करी है कि किस तरीके से और कैसे बैंड हुई है, तो ये आप देखिए किस तरीके का मेजर नुकसान हो गया। बेसिकली देखिए 2000 रुपये के लमसम आसपास डिस्प्लेट होगी और वही 2253 रुपये का डिस्प्लेट हो गया, तो दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ती है क्योंकि दोनों चीज़ में लाइनिंग आ जाती है, तो इसलिए जब भी डिस्प्लेट चेंज करते हैं तो डिस्प्लेट नया ही डालना पड़ता है, तो इसलिए हमने आपको पूरी चीज़ें डिटेल में शेयर करी है। तो ठीक है, इंतजार करिएगा नए वीडियो के साथ, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।